स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 500 जी के ऑनलाइनर ब्रह्मास्त्र में लेके आया हूँ। यदि मैं बता दूँ ये लगभग 5000 क्वेश्चन की श्रृंखला में 500-500 करके मैं डेली देता रहूँगा। यदि 5000 क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको बता दूँ आपकी जीके की समस्या, और ये 500 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, एक घंटे से कम के अंदर में मैं डिस्कस कराऊँगा। यानी कि कहने मतलब 5 से 10 घंटे में आप जीके के समस्या को खत्म करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आते हैं तो मैं इस श्रृंखला को 500 क्वेश्चन की श्रृंखला को कंटिन्यू रखूंगा, अन्यथा और भी हमारी जो सीरीज चल रही उनको मैं कंटिन्यू करूंगा। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो आप बताओ कि बोध गया में क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किया था, तो आप बताओ कि दयानंद सरस्वती जी ने जो आर्य समाज की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, तो बताओ राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट है, देखिए पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, पंजाबी भाषा की लिपि तो आप क्या बताओगे गुरुमुखी लिपि है, जबकि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो हिंदी मराठी नेपाली इन सभी की क्या है, तो आप बताओगे देवनागरी लिपि है, संस्कृत की भी देवनागरी लिपि, इतना इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु का क्या है, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, और उत्तरी बिंदु का कौन सा है, तो उत्तरी बिंदु आप बताएंगे वैसे किनारा कौन सा है, तो कन्याकुमारी, लेकिन बिंदु पूछा जाए दक्षिणी बिंदु कौन, तो आप बताओ इंदिरा पॉइंट है, और उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा, तो उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कॉल हो जाएगा, और पश्चिमी बिंदु, यह पश्चिमी बिंदु पूछा जाएगा तो आप बताओगे वलांगू या किपति हो जाएगा, सॉरी पश्चिमी जो गुजरात में है तो आप बताओ गुहार माता, गा से गुजरात गौ से गुहार माता, और पूर्वी बिंदु क्या हो जाएगा, पूर्वी बिंदु वलांगू या किपति हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो बताओगे अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है, इंसुलिन का प्रयोग जो होता है मधुमेह, इंसुलिन बनाने में कौन सी धातु सहायक है, तो आप क्या बताओगे कौन सी धातु सहायक है, तो जस्ता धातु क्या सहायक है, जस्ता यानी जड़न होता है, जस्ता धातु सहायक है। चलते हैं, बिहू किस राज्य का, तो आप बताओगे असम राज्य का है। चलते हैं, कोई भी बिहू कहे तो असम ही आपको लगाना है। चलते हैं, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा से पाया जाता है, विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा, भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप बताओगे विलियम बैंटिक थे। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ, तो आप बताओगे कागज का हुआ था चीन में। कागज किसका रूप होता, तो आप बताओ सेलुलोज का, कागज किससे बनता, पेड़ पौधों से। चलते हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम बताएंगे सिद्धार्थ। भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो बताओगे सीरियस है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, रतौधि किस विटामिन की कमी से होता है, रतौधि आप बताओ विटामिन ए की, इसी विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो बताओ रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का क्या होता है, तो बताओ थायमिन होता है। विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का क्या होता है, तो विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पोंगल किस राज्य का त्यौहार, तमिलनाडु का है। गिद्दा तथा भांगड़ा जो है कहाँ का है, तो गिद्दा तथा भांगड़ा आप क्या बताएंगे, ये पंजाब का त्यौहार, गिद्दा तथा भांगड़ा जो है पंजाब। टेलीविजन का आविष्कार का किसने किया, तो अब जेल बेर्ड ने, जान लोगी बेर्ड, टीवी दिखाओ नहीं तो मैं जान ले लूँगा तुम्हारा, कैसे भी करके। आप भारत की पहली महिला सांस क्या, आप बताओगे रजिया सुल्तान थी। चलते हैं, मछली किसकी सहायता से सांस लेती, तो बताओ गिल्स या गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया, भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था। चलते हैं, 1947 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन से दल की स्थापना किया, तो बताओगे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। पंजाब केसरी के नाम से किसे, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी। सैंडर्स की हत्या किसने, भगत सिंह ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1857 के विद्रोह के किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, तो मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो बताओगे सरोजिनी नायडू, पहला महिला। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो दो बार चढ़ने वाली, आप बताएं संतोष यादव दो बार चढ़ने वाली थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, तो आप बताओगे राजा राम मोहन राय ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूल नाम किनका था, मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो आप बताओगे दयानंद सरस्वती। इन सब चीज़ों को, इस पूरे सीरीज को दो बार देख लेते हैं इस पूरे वीडियो को, तो आपकी समस्या जीके की खत्म हो जाएगी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। वास्को डी गामा कब आया, तो 1498 में आया था। किस तट पे आया था, तो बताओगे काली कट तट पे आया था। किसने स्वागत किया था, तो बताओगे राजा जमोरी ने, केरल के राजा जो है जमोरी के राजा जो है जमोरी ने स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो बताओ पुर्तगाल का। वहाँ के
राजकुमार हेनरी ने इनको जो है यहाँ भेजा था। हवा महल कहाँ पर, तो आप जयपुर में। हवा महल की खिड़कियाँ भी पूछी गई तो आप बताओगे 953 खिड़कियाँ हैं टोटल। चलते हैं, सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को, तो आप बताओ गुरु नानक जी को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार क्या है, तो प्रमुख त्यौहार आप बताएंगे बैसाखी जो है सिखों का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष, जबकि आयरन लेडी इंदिरा गांधी को जाना जाता है। चलते हैं, नेताजी किस पुरुष को कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या था, तो बताओ विजय घाट था। जबकि यदि कहा जाए गांधी जी के समाधि का स्थल क्या था, राजघाट। अम्बेडकर जी के जन्म मृत्यु स्थल का नाम क्या था, तो समाधि का क्या नाम था, तो आप बताओ कि चैत्रा भूमि था। चलते हैं, महाभारत के रचयिता किसे माना जाता है, महाभारत के रचयिता वेदव्यास जी को माना जाता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा, तो चाणक्य या कौटिल्य या इन्हीं को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। पुस्तक किस पर आधारित थी, तो बताओ राजनीति पे ना होके ये जो है अर्थशास्त्र पे, इकोनॉमिक पे नहीं, अर्थशास्त्र नहीं, ये राजनीति पे आधारित थी, राजनीति पे थे, अर्थशास्त्र पे ना होके ये बुक किस पर बेस्ड है, तो आप बताओगे राजनीति पर बेस्ड है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, बताओ लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेड क्रॉस किस तारीख, रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश किसे, जापान को। अर्धरात्रि का सूर्य किसे, तो नॉर्वे को कहा था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो बताओगे 8 मई को मनाया जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा, तो बताओ गोवा है। जबकि सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा रूस हो जाएगा। ओणम किस राज्य का, तो ओणम केरल का है। दिल्ली की राजधानी कब बनी, तो अब दिल्ली 1911 में राजा पंचम ने बनाया था लॉर्ड हार्डिंग के कहने पर। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा, था शुक्र ग्रह है। बुध तथा शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं होते, एक और खास बात है। चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है, बताओ शुक्र को। भोर का तारा, सांझ का तारा या पृथ्वी का बहन किसे कहा जाता है, आप बताओगे शुक्र को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा, बताओगे बाघ है। इसका जो है वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस है, पैंथरा टाइग्रिस। यदि कहा जाए मेढक का, तो राना टिगराना है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो आप बताओगे मोर होता है। नेक्स्ट प्यारे साथियों देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो आप बताओगे गंगा डॉल्फिन है। कब बना था, तो 2009 में, किसके, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के सहयोग से। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा, तो आप बताओ आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो राष्ट्रीय फूल आप जानते हैं कमल है राष्ट्रीय फूल। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है या वृक्ष कौन सा, तो बताओ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो बताओ कि हॉकी। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, तो बताओ मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। राष्ट्रीय झंडे की लंबाई तथा चौड़ाई की बात की, लंबाई मतलब बड़ा होता है 3:2 और चौड़ाई लंबाई कहेगा 2:3, दोनों क्वेश्चन आया हुआ है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय गीत कौन सा, तो बताओगे वंदे मातरम, और वंदे मातरम किसने लिखा, तो बाद से वंदे मातरम, बाद से बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखना है आपको बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, अभी बात हो चुकी है, बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा पंचांग क्या, तो बताओ सक संवत है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी, 52 सेकंड, जबकि राष्ट्रगीत गाने की अवधि कितनी है, तो 65 सेकंड है। रेडियोक्ता की खोज किसने किया, तो हेनरी बेकुलन। इकाई क्या है, इकाई क्या है, तो आप बताओ कि रेडियोक्ता की इकाई, तो आप बताओ कि क्यूरी है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेसमेकर का संबंध किस अंग से है, तो बताओ हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है, पीयूष ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है, तो बताओ हीरा। हीरा पदार्थ दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा, तो हीरा। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इतना याद रखना, ये हीरे का अपवर्तनांक कई बार पूछा गया है। एक्सरे का आविष्कार रोंटजेन ने किया। किस धातु का प्रयोग मानव ने सबसे पहले, तो तांबा का। सबसे लोकप्रिय धातु कौन सी है, तो बताओ लोकप्रिय धातु सोना है। अंतरिक्ष यात्री का बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो बाह्य आकाश आप बताएंगे काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो बताओ दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने। नेक्स्ट, दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है, तो आप बताओगे अभी बात हो चुकी राजघाट नाम है। रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ, तो बॉम्बे से थाने तक चली थी। पहली मेट्रो रेल किस नगर में, तो बताओ कोलकाता नगर में स्थापित किया गया था। चलते, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ, तो 1853 में हुआ। भारत में प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे भारत के, तो आप बताओगे राकेश शर्मा थे। चलते हैं,
भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? सुचेत्रा कल्पना हरियाणा के पहले, तो बताओगे भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय कहाँ, तो बताओगे न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, बताओ त्रिगवेली थे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के इस समय कितने सदस्य थे, 193 सदस्य कौन सा, तो बताओ दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान आपको याद रखना है, दक्षिणी सूडान। चलते हैं संयुक्त सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो आप बताओ कि 15। लेकिन कितने स्थायी सदस्य होते हैं, तो आप बताओ कि परिषद में कितने, सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ, तो आप बताओ कि द हेग हॉलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र सभा के वर्तमान में महासचिव वान की मून, नहीं इसमें गलत लिखा हुआ, तो आप क्या बताओगे एंटोनियो गुटेरस है। एंटोनियो गुटेरस कब बने थे, तो 17 में बने थे और 23 में अभी भी वही एंटोनियो गुटेरस, आपको याद रखना है, ये चीज़ें याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महासभा में हिंदी में भाषण किसने दिया था, किस भारतीय ने, तो बताओगे अटल बिहारी वाजपेयी ने। अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते, तो 2 वर्षों के लिए। 193वां दिवस कौन है, दक्षिणी सूडान की बात हो ही चुकी पहली। किस विटामिन से रक्त का थक्का नहीं जमता, विटामिन के कारण। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो बताओगे 14 सितंबर। लेकिन विश्व हिंदी दिवस पूछा जाएगा, विश्व हिंदी दिवस, तो आप क्या बताओगे 10 जनवरी को, 10 जनवरी को याद रखना है आपको। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रभाषा को घोषित किया गया, तो अनुच्छेद 343 के तहत राष्ट्रभाषा। ओलंपिक खेलों में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे, तो अभिनव बिंद्रा थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों पर होता, तो आप बताओगे 4 वर्षों पे। 16वें ओलंपिक खेल कहाँ, रियो डी जेनेरियो में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, तो मुर्रा प्रसिद्ध है। शीतला माता मंदिर कहाँ, तो बताओ गुड़गांव में है। विशाल हरियाणा पार्टी कौन, राव वीरेंद्र सिंह है। हरियाणा का क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो बताओगे 44212 है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, भगवंत दयाल शर्मा थे। किस देश का स्थल सर्वाधिक देशों लगती है, बताओ चीन के, लगभग 13 देशों के साथ लगती है। चलते हैं बैरोमीटर का पठन तेजी से गिरावट हो, तो इसका किस बात का सूचक है, तो तूफान। अब बात होती है कि यह तेजी से गिरावट हो तो तूफान, लेकिन धीरे धीरे यह उठता है तो दिन साफ होता है, और धीरे धीरे नीचे गिरता है तो समझ लो पानी की बरसात। कैसे याद करेंगे पानी की बरसात, पानी जब बरसता है तो नीचे ही तो गिरता है, तो धीरे धीरे गिरता है तो पानी की बरसात ऊपर। देखो सूर्य जब निकलता है तो लगता है धीरे धीरे दूर जा रहा है, तो ऐसे याद कीजिए जब धूप निकलने का होती है तो समझ लो कि बैरोमीटर धीरे धीरे ऊपर उठता है। भारतीय मरुस्थल का कौन सा, तो थार, कहाँ पर, भारत और पाकिस्तान में फैला। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो बताओ असम में है। किसके लिए, तो गैंडे के लिए जाना जाता है, एक सिंह के। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूरब। कैसे याद करोगे, पृथ्वी पर रहते हैं कौन, पप्पू, पप्पू, पा से पश्चिम और पा से पूरब, पश्चिम से पूरब घूमती पप्पू। आप जान ही गए होंगे किसकी बात मैं कर रहा हूँ। उज्जैन किस नदी किनारे, तो बताओ उज्जैन छिपरा नदी किनारे है। निम्नलिखित में से कौन सी बिजली के सबसे अधिक सुचालक है, तो आप बताओगे चांदी। गोबर गैस के मुख्य रूप में पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे मेथेन। तो गोबर गैस का मुख्य रूप में क्या पाया जाता है, तो बताओगे मीथेन। और इसका सेकेंडरी घटक क्या है, तो सेकेंडरी घटक आपका CO2, क्या CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क वर्ग किसे कहा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क वर्ग की संज्ञा दी जाती है। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने, लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। राज्यसभा में कितने सदस्य और कितने अवधि के लिए चुनाव होता चुना जाते हैं, तो बताओ 6 वर्ष के लिए। उनके सदस्य हर 2 वर्ष पर जो है 1/3 भाग जो है रिटायर होते रहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो बताओगे देवनागरी लिपि है। चलते हैं हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे नाम है। हिंदी भाषा का समाचार पत्र कौन सा, उदंत मार्तंड है, जुगल किशोर शर्मा जी ने लिखा था। तुलसीदास रामचरित हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई, तो बताओ अवधि में। चलते हैं हरियाणा के राजकवि कौन थे, तो बताओ उदय भानु राजहंस थे। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई, तो बताओ एथेंस यूनान में 1896 में हुई थी। चलते हैं भारत ने किस खेल को ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण जीता था, तो बताओगे हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी के स्वर्ण पदक कब जीता, तो बताओगे 1980 मास्को में जीता था। चलते हैं तो इसका ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता, तो आप बताओगे 4 वर्षों में होता है। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय कहाँ, तो बताओ लुसाने स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ, तो बताओगे लंदन में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, ओलंपिक ध्वज में कुल कितने गोले हैं, तो बताओगे 5 गोले हैं। ये पाँचों
ये पांच महाद्वीप को दर्शाते हैं। एक ओलंपिक सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? माइकल फेल्प्स थे। सन 2000 में ओलंपिक कहाँ खेले गए? तो बताओगे टोक्यो जापान में। आपको बताना है 24 में कहाँ खेला जाएगा। चलते हैं सन 2022 में ओलंपिक खेलों के कांस्य पदक जीतने वाला सानिया नेहवाल का संबंध किस खेल से? तो बताओ बैडमिंटन से है। नेक्स्ट है भारत में ओलंपिक खेलों की पहली वर्ष कब भाग लिया भारत ने? तो आप बताओगे 1900 में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों के पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो बताओ कर्णम मल्लेश्वरी थी। बैक टू द वेदास महर्षि दयानंद जी की है नारा है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने? श्याम लाल गुप्ता पार्षद कानपुर वाले ने लिखा था। पशुओं के सिल्फ फीवर की बीमारी किसकी कमी से? तो बताओ कैल्शियम की कमी से। मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया से रक्त फिल्टर होता है? बताओ गुर्दे। बहुत फास्ट यानी भयंकर स्पीड में कर रहा हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा मटेरियल मिल सके और ज़्यादा ज़्यादा रिवीजन कर सकें और इससे आप क्या हो परीक्षा को अपने धार दे सकें। इसीलिए बहुत फास्ट कर रहा हूँ मैं, आप कहीं पर भी मैं आपके समय को जाया नहीं कर रहा हूं। तो इसके लिए क्या करना, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए आप सब। चलते हैं किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? तो बताओगे अमृत सेन को। कब मिला? तो 1998 में मिला था। चलते भारत तो उत्साह ईसा उस्ताद बिस्मिल्ला खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित? तो बताओ सहनाई से हैं। अंतिम गवर्नर कौन जनरल कौन था? तो बताओगे भारतीय, तो बताओगे सी राजगोपाल आचार्य था। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग? तो बताओ रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र का? तो बताओ हिमाद्री है। वैसे तीन है, एक हिमाद्री, एक मैत्री और एक होता है भारती, तीन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी? तो बताओ जापान की जोंको तेबेई थी। पीलिया किस अंक से? तो एक लीवर से है। द्रव सभी दिशाओं में समान पारित करता है या कथन कितना? पास्कल का नियम है। जितने प्रेशर वाली टाली प्रेशर वाले सब चीज़ें हैं वो पास्कल सिद्धांत पे ही कार्य करते हैं। क्लोरोफिल का घटक क्या है? तो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल बनाने में। एलपीजी का मुख्य घटक तो आप जानते हैं ब्यूटेन और सेकेंडरी घटक का है तो प्रोपेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसम ने। लेकिन खोजा किसने था? तो बताओ जेम्स पैंथेला ने खोजा था। बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने जो है धर्म बौद्ध धर्म ग्रहण की? तो उपगुप्त से। चलते हैं कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो आप बताओगे अकबर जो था अशिक्षित था। अमृत शहर की स्थापना किसने? आप बताओगे बड़ा शहर की स्थापना कोई राजा ही तो राम क्या थे? राजा थे तो इसी हिसाब से राम गुरु रामदास कर सकते हो। गदर पार्टी लाला हरदयाल ने जो है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया था। चलते हैं सिख इतिहास में लंगर प्रथा की शुरुआत किसने? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद? तो बताओगे ऋग्वेद। जबकि गायन का वेद किसे? सामवेद को। सबसे नया वेद किसे कहते हैं? तो अथर्ववेद को जादू टोना का वेद भी कहा जाता है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद? तो बताओ मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ? 1951 में। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय के अध्ययन? तो बताओ नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता? तो जी ओ। और सर्वग्राही ए बी, सर्वग्राही कौन है? तो आप बताओ ए बी। चलते हैं मानव शरीर में 206 जबकि बच्चों में कितना? 300 हड्डियाँ लगभग होती है, 300 प्लस हड्डियाँ। सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन? तो विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन या हार्मोन की संज्ञा भी दी जाती है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। मानव एनाफेज के काटने से कौन सा? तो बताओ एनिल मलेरिया। जबकि एंडीज के काटने से डेंगू रोग हो जाता है। ठीक है टेलीफोन जब भी बचता तो टेलीफोन जब भी आता तो क्या बताता? बेल। तो इसके आविष्कार ग्राहम बेल हो जाएंगे। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो आप बताओगे 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड या 3×10^8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, ये आपको याद रखना है। चलते हैं पृथ्वी के सूर्य के चक्कर लगाती है सबसे पहले बात किसने कहा था? तो बताओ कॉपरनिकस ने कहा था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? तो खगोलीय दूरी। स्वर्ण मंदिर कहाँ? तो आप बताओगे अमृतसर में है। चार मीनार कहाँ? तो हैदराबाद कहाँ पर? तो हैदराबाद कर्नाटक आंध्र प्रदेश में है। कुतुब मीनार कहाँ पर? तो कुतुब मीनार आप बताएंगे दिल्ली में। गेट ऑफ इंडिया तो बताएंगे मुंबई में। लेकिन इंडिया गेट कहाँ? तो बताओगे दिल्ली में है इंडिया गेट, अभी देखिए नई दिल्ली। ताजमहल कहाँ पर? तो बताओगे आगरा। किस नदी किनारे? तो यमुना नदी किनारे है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने? तो आप बताओ सिंगापुर में हुई थी। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। शिक्षक दिवस 7 सितंबर 5 सितंबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। खेल दिवस का मनाया जाता है 29 अगस्त को, खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिवस को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओगे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो बताओगे महात्मा गांधी ने जो है करो या मरो का नारा दिया था।
जय हिंद का नारा तो बताओ सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने, दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, जबकि लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म जो 2 अक्टूबर को ही माना हुआ था। महात्मा गांधी पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जबकि गांधी जी की महात्मा की उपाधि किसने दिया था तो बताओ कि महात्मा की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। जबकि राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया तो आप राष्ट्रपिता की उपाधि आप बताएंगे सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है या किसकी पुस्तक तो बताओ महात्मा गांधी जी की है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार तो बताओ भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। चलते हैं सर्वोच्च वीरता तो बताओगे परमवीर चक्र। भारत में शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, यूरी। प्रथम व्यक्ति कौन थी तो यूरी गागरिन। कहाँ की थी तो रूस। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन, नील आर्मस्ट्रांग। इसके साथी कौन थे, एडविन अल्ड्रिन थे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था तो बताओ राकेश शर्मा थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम जिसे कब छोड़ा गया तो आर्यभट्ट, तो 1975 में छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र वर्तमान महासचिव कौन है तो वर्तमान एंटोनियो गुटेरेस है। एंटोनियो गुटेरेस आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 8 मार्च को। घेघा रोग किसकी कमी, आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन को स्रावित, तो अग्न्याशय या पैनक्रिया जो है इंसुलिन को स्रावित करती है। डोनाल्ड कप किससे तो बताओ फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा तो हीराकुंड बांध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची कितनी भाषाओं की मान्यता देती है बताओ 22 भाषा। चीन की मुद्रा युआन या रेनमिनबी है। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा बताओ एनीमिया है। भारत की कोकिला किसे, सरोजिनी नायडू को। दिल्ली कुतुब मीनार किसने बनाया तो बताओ कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। चलते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक आप बताओ कि मदन मोहन मालवीय हैं। अर्थशास्त्र के चाणक्य हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ तो बताओ कि कन्याकुमारी में है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ तो बताओ कि काठमांडू नेपाल में है। दक्षेस में कितने सदस्य हैं तो आप बताओगे 8 सदस्य हैं। 8वें सदस्य का आप कैसे याद करोगे, MBBS पीना याद कर सकते हो, MBBS पीना। देखिए यम से क्या हो जाएगा तो आप बताओगे मालदीव हो जाएगा। बी से क्या हो जाएगा तो भारत हो जाएगा। बी फिर दूसरे बी से क्या हो जाएगा तो भूटान हो जाएगा। फिर यस से क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। पी से पाकिस्तान हो जाएगा। आई से क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पर एक बी का मतलब होता बांग्लादेश और एक दिस का मतलब होता भूटान। और पी से क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। आई से इंडिया हो जाएगा। ना से नेपाल हो जाएगा। ए से अफगानिस्तान। तो MBBS पीना आप याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी तो 1975 है। चलते हैं विश्व में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, भारत है। ग्रांड ट्रेटर किसने बना था, शेर शाह सूरी का। बचपन का नाम क्या था, फरीद था। विटामिन बी की कमी से बताओ बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से तो स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है या रिकेट जिसे कहा जाता है। विटामिन ई की कमी से तो बताओगे विटामिन ई की कमी से बांझपन नामक बीमारी। जबकि विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है, विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। चलते हैं नेक्स्ट। दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती बताओ, सी नहीं पाई जाती। विटामिन डी की कमी से कौन सा तो रिकेट्स होता है। देखिए विटामिन थक्का नहीं तो अब बताओ के की कमी से। विटामिन ई से बांझपन सब बात हो चुकी है। स्कॉर्बी कैसी, विटामिन सी का रासायनिक नाम है कौन सा। अब देखिए वसा में घुलनशील विटामिन 4 है, KEDA। ये चारों क्या है, वसा में। अच्छा कहीं पर मांस पड़ा हो तो क्या कीड़ा पड़ जाता है, ऐसे याद कीजिए। अब जल में क्या हो जाएगा, जल में BC। तो आप जल को क्या हो गए तो वाटर में BC। तो जल में घुलनशील क्या हो जाए, BOC हो जाएंगे। साधारण नमक का NaCl होता है। हंसाने वाला गैस नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O होता है। धावन सोडा का सोडियम कार्बोनेट होता है। धावन सोडा Na2CO3 होता है, इसका सूत्र होता है N2O होता है। पीतल किन धातु से मिलकर बना है तो पिताजी याद करना है। पिताजी, पी से पीतल, ता से ताबा, जा से दस्ता। पिताजी, पी से पीतल, ता से ताबा और जा से दस्ता। पीतल किससे बना, ताबा तथा जस्ता से। कैल्सिफेरॉल किस विटामिन को, विटामिन डी को कहा जाता है। टोकोफेरॉल विटामिन ई को कहा जाता है। नेत्र दान में नेत्र के किस भाग को तो बताओ कार्निया के दान किया जाता है। चलते हैं किस विटामिन में कोबाल्ट, तो विटामिन बी टाला 12 में। इसे इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालापिन होता है। कोशिका पावर हाउस किसे, माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है तो बताओ अस्थि मज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलते हैं ब्लड प्रेशर मापने के लिए कौन सा यंत्र, तो स्फिग्नोमैनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कौन सी है, तो रीड ओनली मेमोरी यानी रोम कहा जाता है।
चलते हैं, किस अधिवेशन कांग्रेस के उदारवादी उग्रवादी दोनों दलों में विभाजित हो गए? 1917 में कब इकट्ठा हुए? तो बताओ 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। तंजौर बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया? तो राजा राज चोल प्रथम ने बनवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मुगल सम्राट का जन्म कहाँ हुआ था अकबर का? तो बताओ अमरकोट के दुर्ग में राजा वीर साल के यहाँ। 2014 की फुटबॉल विश्वकप किस देश में? तो ब्राजील में आयोजित हुआ। विश्व कप किस देश में आयोजित? तो बताओ रूस में आयोजित हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2014 कॉमनवेल्थ ग्लासगो में हुआ, 15 का क्या हुआ? न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में। जीके है तो पुरानी चीज़ें ही पूछी जा रही, करंट अफेयर नहीं है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसने? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है लेकिन बुलाता राष्ट्रपति है। चलते हैं, और किसके तहत बुलाता? तो 108 के तहत बुलाता है, अनुच्छेद 108 के तहत। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन? तो जीवी वालोंकर या गणेश वासुदेव मालोंकर। जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा किससे संबंधित है? 370 से। कोई धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा अध्यक्ष इसको निर्धारित करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? तो बताओगे एशिया। हैदराबाद किस नदी? तो बताओ मूसी नदी किनारे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन? तो मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन? तो वेटिकन सिटी है। चलते हैं, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से, प्रशांत महासागर उत्तरी तट। पनामा नहर किन दो महासागर को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर को उत्तरी अटलांटिक से जोड़ती है। चलते हैं, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या थी? तो बताओ सिलवासा थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? तो बताओ राजस्थान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी दिवस कब? 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। चलते हैं, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सूदान की राजधानी? तो बताओ जुबा। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन? तो बताओ प्रधानमंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयने अकबरी के लेखक कौन? तो बताओ अबुल फजल जो है आयने अकबरी के। हाफ माइन कप टेनिस से संबंधित है। देश बंधु के नाम से किसे? तो अब चितरंजन झा, जबकि दीन बंधु के नाम सीएफ एंड्रयूज को जाना। अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ? 24 तीलियाँ होती हैं। सबसे पहली फिल्म कौन थी? मूक फिल्म कहा जाए तो आप बताओगे राजा हरिश्चंद्र, जबकि बोलती फिल्म क्या हो जाएगी सबसे पहली? तो आप बताओगे आला मारा थी। सबसे छोटी हड्डी तो बताओगे स्टपी। सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगी फीमर या उरु हड्डी जो टांग में पाई जाती है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया इसका, फीमर सबसे बड़ी हड्डी या इसी जांग की हड्डी या इसी को उरु हड्डी कहा जाता है। मानव शरीर में 649 या 700 हो जो भी उपलब्ध हो। चलते हैं, आरबीसी का जीवन काल बताओ 100 से 120 दिन होता है। जंग लगने पर बचाने के लिए जस्ते की प्रचारणी प्रक्रिया को गैल्वनाइजेशन या गलवनीकरण या जस्तीकरण कहा जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो बताओ यकृत है। प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर है? तो बताओ डिगबोई असम में स्थित है। प्यारे साथियों, साथ साथ ये सेशन अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। इससे क्या होता है हमारा मोटिवेशन हमको मिलेगा कि हम और अच्छे वीडियो लाने के लिए आपके लिए समर्थ हो। चलते हैं, यूनेस्को या कलिंग पुरस्कार आप बताओगे विज्ञान के क्षेत्र में, जबकि हैदराबाद का चांद मीनार का निर्माण किसे? कुलू कुतुब शाह ने करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव 1929 में लाहौर अधिवेशन में किया था रावी नदी के तट पर, और किसने किया था? तो बताओगे जवाहरलाल नेहरू ने किया था। श्वेत क्रांति का संबंध किस खेल से? तो बताओ दूध से। किससे संबंधित? दूध से है। इसी को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता था। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा? तो फेरी क्वीन है। चलते हैं, भारत में आपातकाल में प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा? तो बताओ आंध्र प्रदेश है 1959 में। चलते हैं, भारत में पहला हमला करने वाला आक्रमणकारी था मुस्लिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था 712 में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया तो बताओ मगस्थनी था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? बताओ सीलोन था। विटामिन की खोज फंक ने किया था। स्टेनलेस स्टील, आयरन, क्रोमियम और निकिल। आपको याद रखा कॉलोनी, सभी कॉलोनी में क्या होते हैं? तो बताओ कि बर्तन किससे बनते हैं? तो बताओ स्टेनलेस। तो को से क्रोमियम, लो से लोहा और निकिल क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील किससे बनता है? तो कॉलोनी क्रोमियम लोहा निकिल। आयरन मतलब लोहा होता है, इसको समझिए। चलते हैं, कांसा किस मित्र धातु का बना? तो बताओ कापर तथा कांसा टीका याद करना है। कांसा टीका जिसे ढिंक चिका आपने याद करा था गाना, तो कांसा टीका याद कीजिए। टी से टिन हो जाएगा और क से क्या हो जाएगा? कापर हो जाएगा। कांसा टीका जी की जगह आज याद क्या करोगे? कौन से मिश्र धातु को याद करोगे? तो कांसा टीका याद करोगे ढिंक चिका की जगह। स्वामी विवेकानंद शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया था? तो बताओ 1893 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध सबसे बड़ा दिन 21 जून को, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 22 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, इतना आपको याद रखना है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। साइमन कमीशन का
बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किसकी मृत्यु? लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन था? बताओ सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। चलते हैं, मानव शरीर की पाचन क्रिया का अधिकतर किस अंग में संपन्न होता है? बताओ छोटी आंत में। अनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर जान मेंडल ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, साथियों देखते हैं, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? बताओ तांबा। बालपन के सिद्धांत पे, तो बताओ पृष्ठ तनाव के सिद्धांत या सरफेस टेंशन के सिद्धांत पे कार्य करता है। रेशम कीड़े किस पे उगाए जाते हैं? तो शहतूत के। राजस्थान की खेतड़ी किसके लिए? तो तांबे के खान के लिए जानी जाती है। पृथ्वी की सबसे नजदीक कौन होता? बताओ शुक्र। मनुष्य की आंख किस वस्तु को प्रतिबिंब कहाँ बनता? तो रेटिना पे। सूर्य पृथ्वी की ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा? तो बताएंगे विकिरण द्वारा होता है। डीएनए का द्वि कुंडली का पता किसने? वाटसन क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किससे? तो डेसिबल में। मधुमक्खी पालन एपिकल्चर। चलते हैं, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? बताओ होम पेज। गाड़ियों के पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का? तो बताओ उत्तल दर्पण का। सामान्य स्थिति में ध्वनि की गति कितनी? तो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। एकमात्र ग्रह कौन सा जो अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम घूमता है? तो आप बताओगे शुक्र, बुध और शुक्र है। यहाँ पर दो नहीं, एकमात्र नहीं कह सकते, दो ग्रह हैं बुध और शुक्र जो है ये उल्टा घूमते हैं, पश्चिम से पूरब घूमते हैं। सूर्य के सर्वाधिक अंश को तो हाइड्रोजन कितने परसेंट? तो 71% पाई जाती है, जबकि दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन 26.5 पाई जाती है, सॉरी हाइड्रोजन नहीं हीलियम 26.5 पाई जाती है। पृथ्वी दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? तो बताओ शुक्र ग्रह है। सौरमंडल की आयु कितनी होती? तो बताओगे 6 अरब वर्ष है। कौन से 76 साल बाद दिखता? तो हेलीपुच्छल तारा जो है 76 वर्षों बाद दिखता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती? 15 करोड़ किलोमीटर होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय? तो बताओ 500 सेकंड लगता है। भारत भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? तो बताओगे 1974 में किया था। कंप्यूटर के जिस भाषा में हम भाग को हम स्पर्श कर सकते क्या कहलाता? तो हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सा? तो बताओगे रडार है। चलते हैं, रडान है। मोनाजाइट बालू के कौन सा खनिज? तो बताओगे मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता? तो बताओगे थोरियम पाया जाता है। या थोरियम किस का अयस्क? मोनाजाइट तो बताओगे थोरियम का अयस्क है। शरीर का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि? तो बताओ सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो बताओ थायराइड है। संसार का विशालतम अंतधारी कौन सा है? तो आप क्या बताओगे होयल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने? तो लैंड स्टीनर और बीनर ने किया था। एल्यूमिनियम का प्रमुख है? तो बताओगे बॉक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह? तो स्पुतनिक फर्स्ट है। किस उपग्रह द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता? तो बताओ डायनमो। कंप्यूटर की अस्थाई स्मृति क्या कहलाती? तो रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी कह सकते हो, तभी इसी को कहेंगे। रिक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता? भूकंप की तीव्रता। भूपटल सबसे किस यंत्र से? सिस्मोग्राफ से। भूपटल पर सबसे अधिक कौन सी धातु पाई? तो एल्युमिनियम। दूसरे नंबर पर लोहा। किस ग्रह में साझ कतारा भोर कतारा? तो आप बताओ शुक्र को कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो बताओ क्षोभ मंडल। पृथ्वी की 1 डिग्री देशांतर घूमने में समय कितना लगता है? तो बताओ 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती? तो बताओ गिलफड़े के या गिल्स के। हरे पौधों में भोजन बनाने के लिए प्रक्रिया क्या? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम प्रक्रिया क्या? तो आप बताओगे दूध से क्रीम निकालना अब केंद्रीय बल के कारण से होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ? तो बताओगे मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी? तो आप बताओगे ला खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। लाल कुर्ती संगठन इन्होंने ही स्थापित किया था। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? तो बताओगे ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलते हैं, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बताओ कपास के लिए। विदेशी आक्रमण कोहिनूर हीरा मयूर संघासन लूटकर स्वदेश ले गया? तो आप क्या बताओगे इसका उत्तर नादिर शाह हो जाएगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला? तो बताओगे अरावली पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो बताओगे 71% पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। चलते ही प्यारे साथियों, इसके कुल कितने उपग्रह? तो बताओ 79। शनि के कितने हैं? तो बताओ शनि के जो है 82 उपग्रह हैं। शनि के सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? तो बताओगे शनि के हैं। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कोसी को जबकि दामोदर का सो पश्चिम बंगाल को खाया? गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज को पता लगाने के लिए कौन सा गैस मिला जाता है? तो होता है इथाइल मर्केप्टाइन मिला जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी विषैली कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन कितने परसेंट? तो बताओगे 78% पाई जाती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ? बताओगे इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है।
किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश बना, तो बताओ पाकिस्तान। डब्ल्यू डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। 1 किलोबाइट कितनी बाइट के बराबर, तो बताओ कि 1024 बाइट के बराबर। 1929 में ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेशनल असेंबली में भगत सिंह ने के साथी कौन थे जो बम फेंका गया था, तो बताओ बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग का विभाजन की मांग कब हुई, तो 1940 में हुआ था लाहौर अधिवेशन में। कॉमन वेल्थ पत्रिका के प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। भारतीय अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो बताओगे अमृत सेन को मिला था। चलते हैं 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों, तो ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से जो है लागू हुआ था। कैनिंग ने 1858 में आयोजित दरबार में भारत और क्राउन के शासन को घोषणा की, तो बताओ इलाहाबाद में आयोजित। अब ये शासन जो है कंपनी का ना होकर जो है डायरेक्ट रानी का होगा, ब्रिटेन की रानी का होगा, ये बात इसमें कहा गया है। लॉर्ड बेलजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि के शासक किसने किया, तो हैदराबाद के नजाब ने। भारत की सबसे बड़ी जनजाति, तो गोंड जनजाति। राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष, तो बताओगे एनी बेसेंट थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शहीद आजम के नाम से किसे भगत सिंह को कहा था, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन, तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। चलते हैं जनरल ओडायर की हत्या किसने, तो बताओ ऊधम सिंह ने ब्रिटेन में ही जाकर किया था। बंगाल का विभाजन और किसके द्वारा हुआ किया गया था, तो 1905 में कर्ज ने बंगाल बटा, कर्जन ने बंटवारा किया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय, तो बताओ 24, अब जो है 25 हो गए हैं, इसमें 24 पुराना वाला लिख दिया है। 25 कौन से, तो विशाखापट्टनम जो है 25वां है, आंध्र प्रदेश में है। प्रथम लोकसभा स्पीकर जी वी मालकोन गणेश वासुदेव मालवंकर थे। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य, तो बताओ सचिता सिन्हा थे। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य है। चलते हैं मोहिनीअट्टम कहाँ से संबंधित, बताओ केरल से है। भरतनाट्यम कहाँ से, तो तमिलनाडु से, सब शास्त्रीय नृत्य है। कथकली कहाँ से, तो बताओ केरल से है। जबकि कथक कहाँ, तो उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश से। केसर कहाँ पर सर्वाधिक, तो बताओ जम्मू कश्मीर में होता है। चलते हैं भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर होता है, बताओ दामोदर घाटी पे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, तो बताओ डब्ल्यू सी बनर्जी या ब्योमेश चंद्र बनर्जी होता है। इसकी स्थापना किसने करा, तो एलन एक्टिवेल ह्यूम या एयू ह्यूम ने किया था, एक सिविल सर्विस थे। चलते हैं गांधी जी को ने अपना किसको जो है राजनीतिक, तो गोपाल कृष्ण गोखले को गुरु माना था। बंगाल राष्ट्रीय गान कौन सा है, आमार सोलार बंगला रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। बहलोल लोबदी ने लोदी वंश की स्थापना किया था। चलते हैं किस संविधान के मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता, तो आप बताओगे बैलेश्वर संविधान संशोधन को। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसें का मिश्रण मिलाते, तो ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस का। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था, तो हनीमैन जो होम्योपैथी। फलों को पकाने में एथिलीन, जबकि कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसीटिलीन। एसीटिलीन का प्रयोग गैस बिल्डिंग में भी किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह, तो बताओ चैत्र माह होता है। हरिप्रसाद चौरसिया किस वात, तो बताओगे बांसुरी से हैं। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन सी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष, लोकसभा से 25 वर्ष और राज्यसभा से तो 30 वर्ष होनी चाहिए। सांची का स्तूप निर्माण किसने कराया था, तो बताओ अशोक ने करवाया था। यक्षगान कहाँ से संबंधित, तो कर्नाटक से संबंधित है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है, तो बताओ भारत और चीन के बीच है। रेडक्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों बीच है। तो ब्याज का खाद्य भाग, तो बताओ कि तना है। गोभी क्या है, फूल होता है। सर्वपरसव कितनी होती है, सुनने योग तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। अब सर्व कितनी होती है, तो 0 से 20 हर्ट्ज तक होती है, 0 से 20 हर्ट्ज। और जबकि परासर्व कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से सर्वाधिक जो होती है। अब परासर्व तक मधुबनी कहाँ से संबंधित, तो बताओगे बिहार से। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट शिखर कहाँ, तो बताओ नेपाल में है। 88-48 किलोमीटर है। किस नदी को दक्षिण की गंगा, तो दक्षिण गंगा किसे कहा जाता, तो बताओगे गोदावरी। लेकिन दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता, की जब शब्द लगा दिया, तो आप बताओगे कावेरी। की दक्षिण की गंगा, तो आप बताओगे कावेरी कहा जाता। दोनों में अंतर, दक्षिणी गंगा दूसरा है, दक्षिण की गंगा कावेरी है। निर्विरोध चुने जाने वाले कौन थे, तो बताओ राष्ट्रपति, तो बताओगे संजीव रेड्डी थे। सबसे बड़ा सुंदर वन डेल्टा, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा, तो बताओ लोथल। लोथल किस नदी के किनारे, तो आप बताओगे भोगवा नदी किनारे है। किसे सितार तथा तबले का जनक कहा जाता, तो अमीर खुसरो को। और खास बता दूँ खड़ी हिंदी का जनक भी अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा या ऊँचा पठार कौन सा, सबसे ऊँचा, तो बताओ पामीर का पठार या तिब्बत का पठार जिसे कहता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो बताओ प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग की जगह क्या हो गया, नीति आयोग के अध्यक्ष भी पूछा गया, तो तभी प्रधानमंत्री ही बताओगे। वनस्पति घी के निर्माण में किसका प्रयोग, किस प्रक्रिया का प्रयोग किया, किस गैस का, तो बताओ हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेरक के रूप में किसका, तो बताओगे निकिल का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय कौन था, तो कौन थे, तो मिहिर सेन थे।
एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। पानी की बूंदों को गोल होना किसके कारण? पृष्ठ तनाव के। मानव निर्मित प्रथम रेशा तो बताओगे नायलॉन, लेकिन प्रथम रेशा क्या है मानव निर्मित? तो रेशम। प्रथम रेशा क्या है? तो प्रथम रेशम कहेगा तो रेयान हो जाएगा। प्रथम रेशम तो बताओगे रेयान, प्रथम रेशा कहेगा तो बताओगे नायलॉन, दोनों का अंतर है। अष्टपष्ट प्रतिध्वनि या इको सुनने के लिए परावर्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर 16.6। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक? तो निर्वात में होती है। चलते हैं, बहुत फास्ट मोड कर रहे हैं, किस रंग का प्रकाश का प्रकरण सर्वाधिक होता? तो बैगनी रंग का होता है। वाहनों की हेडलाइट किस दर्पण का उपयोग किया जाता? तो बताओ अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्यों? तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण होते हैं। प्रकाश का प्राथमिक रंग होता है तो RGB आपको याद कर लेना, रेड ग्रीन और ब्लू, देखिए लाल हरा नीला। चलते हैं, वायुमंडल के टायरों में कौन सी है? तो बताओ हीलियम। टाका धातु या सोल्डर धातु किसका? तो बताओ टाका सीटी। टाका लगा तो सीटी आई, तो सी और टी याद करना। सी क्या हो जाएगा? सी से सीसा, और टासी क्या हो जाएगा? टिन, आपको याद कर लेना है। चलते हैं, पिलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी? तो विटामिन बी, और बी विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। मछलियों के कृत में कौन सा तेल, किस तेल में प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है? भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4, इसमें चार लिखा हुआ 98.4 फारेनहाइट, या केल्विन में कहेगा तो 310 केल्विन, दोनों सबको याद रखना है। चलते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक आप बताओगे डायोप्टर होती है। कंप्यूटर की IC चिप्स की किस पदार्थ की? तो सिलिकॉन की बनी होती है। पार्सेक किसकी इकाई है? तो पार्सेक का बताओ खगोलीय दूरी की है। पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर? तो 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर, केल्विन में कहेगा 277 केल्विन पर सर्वाधिक घनत्व होता है। चलते हैं, परास्तरव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज होती है, से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम तो बताओगे होमो सैपियंस होता है। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय तो आप बताओगे दादा भाई नौरोजी थे। किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन आता है? पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में ब्रह्मा जी का मंदिर एकमात्र मंदिर तो बताओ पुष्कर राजस्थान में है। पागल कुत्ता काटने से कौन सी रेबीज या हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाता है? राज्यसभा का पदेन सभापति आप बताओगे उपराष्ट्रपति होता है। चलते हैं, लेकिन आपको बता दो राष्ट्रपति के पद का कोई सैलरी नहीं मिलता, सभापति के रूप में होने से इसको सैलरी मिलती है। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति को मैडम क्यूरी थी, ये दोनों पति पत्नी दोनों लोग का थे। सार का मुख्यालय आप क्या बताओगे काठमांडू में है। सार को दक्षेस भी कहा जाता है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर सरमेन कुमार या टिंकू लाल सोहन थे। चलते हैं, याद कर लेना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थे? सरोजिनी नायडू थे, अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी? तो अब बताओगे 1925 में बनी थी, कानपुर में। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1925 लिखना था, 24 लिख गया है। 1925 में गांधी जी पहली बार कब बने थे? तो गांधी जी पहली बार अध्यक्ष बने थे 1924 में, कहाँ पर? बेलगांव कर्नाटक में बने थे। 1983 विश्व का कप का भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? बताओ कपिल देव थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत? तो बताओ 12 सदस्य मनोनीत करता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया जा शुरू हुआ? तो 1901 में, तो अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाने लगा। बांग्लादेश की मुद्रा तो बताओगे टका है, और राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश के बताओ ढाका है। रामायण की रचना किसने किया? तो बताओ महर्षि वाल्मीकि ने जो है। इसमें कुल कितने खंड है? तो बताओ 7 खंड है। सबसे बड़ा खंड कौन सा? तो बताओगे बालकांड है। और सबसे छोटा कांड कौन सा? तो किष्किंधा कांड है। देखिए अभी वीडियो पेपर में जो एग्जाम उसके पहले पूछा गया था सबसे छोटा बड़ा कांड। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन आप बताओगे उत्तर प्रदेश में होता है। पायरिया रोग किसमें? दांत तथा मसूड़े में क्या होता है? खून निकलने लगता है। नासिक किसके? तो आप बताओ गोदावरी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। जापान की मुद्रा तो आप बताओगे एन है। इंडियन मिलिट्री अकादमी तो आप बताओगे देहरादून में है। चलते हैं, वन अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर? तो बताओ देहरादून में ही है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला तो बताओ बछेंद्री पाल। प्रथम विकलांग महिला तो बताओगे प्रथम विकलांग महिला कौन थी? तो इन्हीं की चेली थी, उनका नाम क्या है? बताओगे अरुणिमा सिन्हा थी। चलते हैं, डेविस कप तो बताओ टेनिस से संबंधित है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली तो बताओगे संतोष यादव थी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अपने पद पर कितने 65 वर्ष, जबकि उच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश कितने समय तक रहता है? तो 62 वर्षों तक रह सकता है। देखिए वो बड़ा है तो इसलिए 65, और छोटे जो उच्च न्यायालय वाले 62 वर्ष ही रहते। संसद का उच्च सदन कौन सा? तो राज्यसभा है। पंचतंत्र के लेखक तो बताओगे विष्णु शर्मा। पंचतंत्र एक ऐसी पुस्तक है 40 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है, लगभग कई विदेशी भाषाओं में। चलते हैं,
राजनीति से संबंधित है। 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से, तो पंचशील समझौता के नाम से। फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता, तो आप बताओगे स्पेन। देखिए पुरानी इसलिए क्योंकि मैं जी के पढ़ा हूँ, करंट अफेयर नहीं, यही ध्यान रखना आपको। भारतीय राष्ट्रीय अकादमी कहाँ स्थित, तो बताओगे पूना के पास खड़गवा शाला में है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय कितनी बार धड़कता है, तो बताओ 1 मिनट में 72 बार। भारत में पहली जनगणना 1872 में किसके म्यो ने करवाई थी, म्यो ने, जबकि व्यवस्थित जनगणना 1881 में रिपन ने करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डबल फॉल्ट किससे संबंधित, तो बताओ टेनिस से। भारतीय स्थलसेना के पहले भारतीय, तो बताओ कि के एम करियप्पा थे। चलते हैं, लाई हरोबा कहाँ पर, तो लाई हरोबा बताओ मणिपुर का जो है लोक नृत्य है। भारत के किस राज्य के रबर का सबसे अधिक, तो केरल में सबसे अधिक रबर का उत्पादन हो। कोलकाता किस नदी के, तो बताओ कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। पौधों में जीवन होता है बात किसने बताई थी, तो बताओ कि जगजीत चंद्र बसु ने बताई थी। महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम अहमदाबाद कब, 1917 में, ये याद रखना है आपको। चलते हैं, मनुष्य में शरीर में कुल कितने, तो बताओ 23 जोड़े या 46 होते हैं नंबर में। चंद्र ग्रहण कब लगता, तो पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण की स्थिति कब बनती है, तो बताओ चंद्र जब शाम होता है तो क्या हो जाता है, जब चंद्र निकलता है तो क्या होती है, शाम हो जाता है। शाम सा से क्या हो जाएगा, तो पता है सन। आ से क्या हो जाएगा, अर्थ। ए से अर्थ और मा से मून, यानी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच क्या आ जाए, जब पृथ्वी आ जाए तो उसे अर्थ आ जाए तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये सूर्य ग्रहण, ये सूर्य निकलता है तो क्या होती है, समा छा जाती है, समा। ये से आता सन तथा अर्थ के बीच जब मून आ जाए तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण किस दिन, अमावस्या के दिन लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब, 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था, लेकिन शुरू कब हुआ, तो यहाँ पर लिखा हुआ 9 अगस्त होना चाहिए था, 9 अगस्त को शुरू हो गया था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप 80 से 120 mmHg होता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन क्या होता, तो बताओगे सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर का ही होता है। चलते हैं, रामचरितमानस किसने, तो बताओ तुलसीदास ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ, तो 51 में नई दिल्ली में हुआ था। वायुमंडल का दाब किससे नापा जाता, बैरोमीटर से नापा था। हरियाणा के पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा, तो बताओ कि भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर सोनीपत में है। टेस्ट मैचों में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले व्यक्ति कौन थे, अनिल कुंबले थे। 2018 में फुटबॉल विश्व कप रूस में हुआ था। चलते हैं, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा, तो चीन है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य, तो बताओगे 2 सदस्य मनोनीत करता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन था, बताओ ए भी जो है, और सर्वदाता कौन है, तो ओ है। असहयोग आंदोलन कब, 1920 में हुआ था, लेकिन अस्थगित कब हुआ, तो 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद। पेनाल्टी स्ट्रोक का बताओ, हॉकी से संबंधित। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा, तो लोकसभा। उच्च सदन कौन था, बताओ राज्यसभा होता है। सिख धर्म की संस्थापना गुरु नानक देव ने किया था, इसके 24वें गुरु कौन थे, तो बताओ गुरु गोविंद सिंह 24वें गुरु थे। चलते हैं, भारत का जनगणना कितने वर्षों में, तो बताओ 10 वर्षों में होता है। मेघदूत किसकी रचना, तो मेघदूत कालिदास की रचना है, याद रखना है आपको। मेघदूत कुमार संभोम ये सब किसकी, तो बताओगे कालिदास की। स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली थे। चलते हैं, एक्जिमा किस बीमारी, एक्जिमा जो होती दांत खाद खुजली को एक्जिमा कहा जाता है। स्काउट गाइड की स्थापना किसने की, रॉबर्ट बार्डन पावेल ने किया था, ये याद रखना। स्काउट गाइड बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। संसार का सबसे बड़ा महासागर, बताओ प्रशांत महासागर। इसी में जो मैरियाना सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रंच स्थित है। पेनाल्टी किस, तो आप बताओगे फुटबॉल से संबंधित। रणजी ट्रॉफी या बताओ क्रिकेट से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से संबंधित है। भारत सर्वोच्च खेल पुरस्कार, भारत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। चलते हैं, अर्जुन पुरस्कार किसे 1961 में दिया जाने लगा था। अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता, तो आप बताओगे खेल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति। भारत का मानक समय रेखा कितने से गुजरती है, कहाँ से, तो बताओगे 82.5 अंश और 5 मिनट पूर्वी दिशा पर रेखा से गुजरता है। यहाँ केवल 5 लिखा है, वो गलत है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार विनोबा भावे से संबंधित है। मोनालिसा विश्वविख्यात पेंटिंग किसके, तो लियोनार्डो दा विंची से है। स्वांग कहाँ का, तो स्वांग देखिए एसएससी में बहुत बार पूछा गया, हरियाणा से संबंधित। भारत में कितने, तो बताओगे 24 ना होके कितना, 35 बताओगे। 35वां कौन सा है, तो बताओ 25वां बताओगे विशाखापट्टनम है। चलते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका फैसला कौन, लोकसभा अध्यक्ष लेता। अंतिम मुगल सम्राट और बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। इनको कहाँ निर्वासित किया था, तो रंगून निर्वासित। तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाले विश्व का पहला, तो बताओ भूटान। गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। स्वाइन फ्लू बीमारी
H1N, जबकि वर्ड फ्लू आप बताओगे वर्ड फ्लू कैसे, तो H5N1 से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आप बताओगे 25 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन सा होता है, तो राष्ट्रपति होता है। किस संवैधानिक संशोधन मौलिक अधिकार जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन से। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। चलते हैं राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता, तो संसद सदस्य करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है, तो विजय स्तंभ आप बताओगे चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और आज के सेशन का 500वां क्वेश्चन या अंतिम क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा 94.38 किलोमीटर स्ट्रीट ग्रैंड साइबेरियन किन दो शहरों को जोड़ता है, तो आप क्या बताओगे सेंट पीटर्सबर्ग तो व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। प्यारे साथियों 500 क्वेश्चन की श्रृंखला यही समाप्त हो रही है। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, और खास बात जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे उनको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और वो इस सेशन का लाभ उठा सकें। तो चलते हैं प्यारे साथियों, जय हिंद जय भारत।